आप सबके कुछ ड्रीम्स होंगे आफ्टर 11th. अभी तो आपको शायद कुछ ज़्यादा पता नहीं होंगे, मे बी यू आर नॉट क्लियर, बट लेटर ऑन इन लाइक 3 to 4 क्लासेस आफ्टर आफ्टर दिस क्लास आई विल बी आस्किंग यू व्हाट डू यू वांट टू बी आफ्टर योर 12th एग्जाम्स. आप क्या करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे. चलिए बच्चे अकाउंटिंग पे आ जाते हैं. पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चे, यू नीड अ ब्रॉड रजिस्टर फॉर इट. आपको एक ब्रॉड रजिस्टर यूज़ करना है, क्योंकि हमें अकाउंट्स बनाने हैं तो हम छोटे रजिस्टर्स पे काम नहीं करेंगे, हम बड़े ब्रॉड रजिस्टर्स पे काम करेंगे. सो अभी तो चलो लॉकडाउन है, यू माइट नॉट बी हैविंग मे बी अ ब्रॉड रजिस्टर विद यू, बट ट्राई करें कि आप एक बड़ा रजिस्टर यूज़ करें, एंड इफ़ यू कैन गेट इट दैट वुड बी रियली गुड. तो यूज़ अ ब्रॉड रजिस्टर. सेकेंड बच्चे, आप मुझसे इंटरैक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको भी कंफर्टेबल हो जाएगा विद मी. यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन लाइक मे बी जस्ट 2 क्लासेस. ओके, तो अकाउंटिंग बच्चे बहुत ही अच्छा और ब्यूटिफुल सब्जेक्ट है, बहुत ब्यूटिफुल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड यू विल लव इट, दैट इज माई गारंटी. द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज कि आप अच्छे से समझें. ट्रीट मी लाइक योर सिस्टर. हैव इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट आस्क मी फ्रीली. इफ नॉट इन द क्लास, अगर आप क्लास में अभी नहीं पूछ पा रहे मुझसे, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड जस्ट बी सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडीज और सब कुछ हो जाएगा. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. तो जब भी आप अकाउंट्स का नाम सुनते हैं, अभी तो बस आपने नाम ही सुना है और तो कुछ आपको पता नहीं है, जब आप अकाउंट्स का नाम सुनते हैं मुझे लगता है कि आपके मन में कोई इमेज तो आती होगी, शायद कोई बिजनेस की इमेज आती होगी. किसकी इमेज आती होगी बच्चे, कोई अनम्यूट करके बोले. राइट, कोई ऐसा बिजनेस होता होगा, उसमें कुछ प्रॉफिट्स या लॉसेस की बातें होती होंगी, ऐसा आपके माइंड में कुछ आता होगा. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कराऊंगी, इतने ज़्यादा बेसिक से कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में. ओके, भव्य, सपोज आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप बताइए क्या आपको उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? या यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी. वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक. अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे. तो बिल्कुल सिंपल इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. आप मेरे साथ साथ लिखेंगे. हम मानते हैं कि जैसे एक ओनर होता है और एक उसी का बिजनेस होता है. एक कौन होता है, रिपीट आफ्टर मी, एक ओनर होता है और एक उसी का क्या होता है बच्चे, बिजनेस होता है. अगर आपको, यानी ओनर है आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपको उसमें करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे शुरू में, ऐसे तो कोई बिजनेस शुरू हो नहीं जाता. तो आपको करनी पड़ेगी उसमें इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट को हम अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल. क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल. ओके, या सानिया बच्चे आपसे मैं सुनना चाहूंगी, आप जस्ट अपना माइक अनम्यूट करें. ओनर बिजनेस में क्या करेगा, जस्ट यूज अ वर्ड, कैपिटल लगाएगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में, कैपिटल लगाएगा बिजनेस में. ओके, अब ये कैपिटल किस फॉर्म में होती है, जैसे मैंने बोला ये पैसा हो सकता है, कैश हो सकता है, और भी कोई चीज हो सकती है. ध्यान से सुनिएगा, और भी कोई चीज हो सकती है. मान लीजिए ये मेरा बिजनेस है और ये टेबल मैं अपने घर से बिजनेस में ले आई हूँ, तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक तरह की कैपिटल है. ओके, अक्षत बच्चे कैन यू
हियर मी, आप एक बार बताएंगे ओनर बिजनेस में क्या लगाता है, क्या वर्ड यूज करना है हमें? ओनर बिजनेस में क्या लगाता है, एक बार अनम्यूट करके बताइए। ओनर बचे बिजनेस में क्या लगाता है अक्षत? आई थिंक आप मेरी बात का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर माइक। क्या लगाता है? फिर से। कैपिटल यस, वेरी गुड। कैपिटल लगाता है ओनर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल समझेंगे। ऑल राइट, फिर से बचे। एक ओनर होता है, एक उसी का बिजनेस होता है। अगर ओनर बिजनेस में से कुछ निकाल के अपने घर ले जाता है, अगर ओनर बिजनेस में से कुछ निकाल के अपने घर ले जाता है, ऐसे डायग्राम बनाओ। फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे मैंने लिखा है विड्रॉन। ओनर बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करके अपने घर ले जाता है अगर फॉर पर्सनल यूज, तो उसे हम अकाउंट्स में बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं बच्चे? ड्रॉइंग्स। ये वर्ड क्यों है? विड्रॉ करने से ये वर्ड बना है। ड्रॉ करने से, विड्रॉ करने से। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है? ऐसी कोई चीज या कोई पैसा जो ओनर बिजनेस में से निकाल के अपने घर ले जाता है फॉर पर्सनल यूज, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स रेफर टू अमाउंट और गुड्स। अमाउंट की जगह कैश लिखेंगे। ड्रॉइंग्स रेफर टू कैश और गुड्स। विड्रॉन, विड्रॉन बाय द, भव्य बोलेंगे विड्रॉन बाय द, बिजनेसमैन हाँ, ओनर फ्रॉम द, क्या लिखे? फ्रॉम द बिजनेस। यस, चलिए ये दो टर्म्स एक बार रिवाइज करते हैं। ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है बिजनेस शुरू करने के लिए, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और ओनर अगर बिजनेस में से कुछ निकाल के अपने घर ले जाता है फॉर पर्सनल यूज, तो उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल बचे, कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। सो वी हैव कवर्ड टू वर्ड्स, वन इज कैपिटल एंड वन इज ड्रॉइंग्स। यस धृति बच्चे, व्हाट इज कैपिटल? मैम द इन्वेस्टमेंट रन बाय द ओनर इन द बिजनेस। वेरी गुड, एंड व्हाट आर ड्रॉइंग्स? द ओनर टेक समथिंग फ्रॉम द या बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। वेरी गुड, सिंपल। ओके सानिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस बच्चे? प्रेरिका, यस मैम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? प्रेरिका,
बच्चे प्रेरिका इफ यू के नॉट स्पीक जस्ट राइट येस और नो अक्षत कैपिटल और ड्रॉइंग्स क्लियर है आपको कैपिटल ओनर बिजनेस में लगाता है और ड्रॉइंग्स ओनर बिजनेस में से निकाल के ले जाता है राइट अक्षत से येस और नो यस मैम वेरी गुड वेरी गुड आप तो सब इतने इंटेलिजेंट हैं आपको क्या पढ़ाएं हम यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट पीपल चलिए आगे बढ़ते हैं अब अच्छे जो भी बिजनेस होता है वो कुछ ना कुछ सामान बना के बेचता है कोई भी बिजनेस है वो कुछ ना कुछ या तो गुड्स बेचता है या तो सर्विस बेचता है जैसे मैं आपको सर्विस बेच रही हूँ आई एम सेलिंग यू टीचिंग सर्विस तो जो भी बिजनेस होता है वो या तो कोई सामान बेचता है लोगों को या तो कोई सर्विस बेचता है मान लीजिए मेरा पेन बना के बेचने का बिजनेस है मान लीजिए मेरा पेन मैन्युफैक्चर करके बेचने का बिजनेस है तो भव्य आप बताएंगे मुझे मार्केट से क्या क्या खरीदना पड़ेगा इसके लिए पेन बनाने के लिए प्लास्टिक यस आई वुड नीड प्लास्टिक व्हाट एल्स इंक यू आई वुड नीड इंक वेरी गुड दैट्स इट इतना ही काफी अभी के लिए तो वैसे हर बिजनेस मार्केट से कुछ ना कुछ सामान खरीदता है कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल खरीदता है तो इसको अभी आप नॉर्मल सा समझे परचेजेस बिल्कुल नॉर्मल मैंने कोई मुश्किल वर्ड यूज नहीं किया परचेजेस मार्केट से सामान खरीद रहे हो आप अपने आप को बिजनेस मानेंगे क्या मानेंगे बच्चे आप अपने आप को बिजनेस हम सारी बातें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ऑल राइट अब बच्चे जो बिजनेस होता है वो परचेजेस जब करता है मार्केट से तो वो दो तरह की होती है एक कैश परचेजेस होती है और एक क्रेडिट परचेजेस होती है आप भी ऐसे लिखें अपनी नोटबुक में एक कैश परचेजेस होती है और एक क्रेडिट परचेजेस होती है क्रेडिट परचेजेस के ब्रैकेट में देखो मैंने कुछ लिख दिया है उधार तो आप शायद कुछ समझ जाएंगे बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू मान लीजिए बिजनेस ने मैंने बोला है कि आपको हमेशा अकाउंट्स जब भी आप अकाउंट्स करेंगे बच्चे आप खुद को बिजनेस मानेंगे आप सारी बातें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आप कहेंगे मैम हम अपने आप को ओनर क्यों नहीं मानेंगे अभी बताऊंगी आफ्टर 5 मिनट्स तो बिजनेस ने लेट्स से राम से कुछ सामान खरीदा जैसे भव्या ने हमें बताया कि पेन बनाने के लिए हो सकता है हमने कुछ प्लास्टिक खरीदा हो सकता है इंक खरीदी हो और बिजनेस ने राम को साथ के साथ पैसे दे दिए तो बच्चे इसे क्या बोलते हैं कैश परचेजेस सानिया बच्चे इसको क्या बोलेंगे हम कैश परचेज सिंपल आपने सामान खरीदा पैसे दे दिए काम खत्म कैश परचेजेस हो गई चलिए इतना बना लीजिए हर बिजनेस मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदता है ये बात तो पक्की है ओके सेकंड सेकेंड केस में बच्चे लेट से बिजनेस ने मोहन से सामान तो खरीद लिया बट अभी तक पैसे नहीं दिए बिजनेस ने अभी तक मोहन को पैसे नहीं दिए धृति बच्चे क्या देने भी नहीं पैसे वेरी गुड सो पैसे तो देने ही पड़ेंगे हमें बट यस आफ्टर सम टाइम मोहन ने हमें उधार पे सामान दिया है सो वी विल पे बट आफ्टर सम टाइम
ओके, जब तक बिजनेस ने मोहन को पैसे नहीं दिए तब तक बिजनेस देखो क्या बोलेगा, मोहन इज माय क्रेडिटर। बच्चे देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, बिजनेस क्या बोल रहा है, मोहन इज माय, स्पीक आउट भव्या, क्रेडिटर यस। सो क्रेडिटर क्रेडिटर कौन पर्सन होता है, जिसे बिजनेस ने अभी पैसे, कंप्लीट करोगे सेंटेंस को, जिसे बिजनेस ने अभी पैसे, व्हाट, देने हैं। क्या करना है भव्य? देने हैं। यस, वेरी गुड। तो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसे बिजनेस ने अभी पैसे देने हैं। तो मैंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दी है यहाँ पे, बिजनेस हैज टू पे टू मोहन। ओके, तो तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसे बिजनेस ने अभी पैसे देने हैं, वी हैव टू पे टू हिम। डू यू थिंक इट्स अ टेंशन फॉर द बिजनेस कि अरे यार अब पैसे देने पड़ेंगे? डू यू थिंक ही इज अ टेंशन फॉर द बिजनेस क्रेडिटर? सान्या, सानिया नो विशे मैम, बिकॉज लेटर ऑन ही विल पे ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। नो, फॉर द बिजनेस मतलब फॉर अस इज क्रेडिटर लाइक अ टेंशन दैट वी हैव टू पे? यस, इट इज अ टेंशन, नॉर्मल। अभी यू हैव टू पे, दैट्स व्हाई इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेस फॉर यू कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आप कौन है बच्चे? बिजनेस यस, आप हमेशा बिजनेस ही मान के चलेंगे खुद को। ओके, तो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसे बिजनेस ने अभी पैसे देने हैं, और ये एक तरह की टेंशन भी है क्योंकि जिसको हमने पैसे देने हैं वो तो टेंशन ही है भाई, पैसे देना है तो किसको अच्छे लगते हैं। ऑल राइट, क्विकली रिवाइजिंग एवरीथिंग। यस, प्रेरिका विषय कैन यू टेल अस? अनम्यूट करिए प्रेरिका एक बार अपना माइक। यस, क्रेडिटर कौन होता है विषय, नॉर्मल लैंग्वेज में बताइए, सिंपल लैंग्वेज में। प्रेरिका विषय कैन यू स्पीक आउट? ओके, देर माइट बी सम प्रॉब्लम। ओके भव्या, हु इज अ क्रेडिटर? पर्सन फ्रॉम विच वी बोरो मनी। ओके, और इन अदर वर्ड्स, उधार। नहीं, एज इन और टू हुम वी हैव टू पे मनी, वी कैन ऑल्सो से दैट। या करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, आपने मार्केट से प्लास्टिक और इंक खरीद ली है, अब आपने पेन बना लिया है, तो अब आप इस पेन का क्या करेंगे? म्यूट 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 म्यूट। ओके, अक्षत बताएंगे, आपने सामान खरीद लिया मार्केट से, पेन बन गया, अब पेन का क्या करेंगे? मैम पेन मैम मार्केट में सेल करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सेल करेंगे, बिल्कुल। तभी तो हम पैसे कमाएंगे, तभी तो हम बिजनेस कहलाएंगे। अब सेल्स भी दो तरह की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। पहले हम सामान खरीदते
परचेज कर रहे थे, खरीद रहे थे, अब हम सामान बेच रहे हैं, हम बिजनेस हैं। लेट्स से हमने मतलब बिजनेस ने सामान बेचा है राम को, सेल्स किए और राम से पैसे ले लिए, बात खत्म हो गई। इसे बोलते हैं कैश सेल्स, सिंपल, वेरी नॉर्मल। सामान बेचा, पैसे लिए, काम खत्म। और दूसरा, मान लीजिए बिजनेस ने मोहन को सामान बेचा है, उधार पे बेचा है, मतलब अभी मोहन से पैसे लिए नहीं है। भव्य, डू यू थिंक कि पैसे लेंगे हम फ्यूचर में? यस मैम। या ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ी हम उसको छोड़ देंगे, पैसे तो लेंगे, राइट? सो जब तक मोहन ने पैसे नहीं दिए तब तक बिजनेस कहेगा मोहन इज माय डेटर। बच्चे, अनदर वर्ड आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज इट? डेटर। बच्चे यहाँ पे ना बी साइलेंट है, इसको आप डेबिटर नहीं बोलेंगे, डेटर बोलते हैं, बी इज साइलेंट। सो डेटर कौन होता है? अगर मुझे एक सेंटेंस में बताना हो तो डेटर वो पर्सन होता है जिससे बिजनेस ने अभी पैसे लेने हैं, जिससे बिजनेस ने अभी पैसे, एनीवन स्पीक आउट, जिससे बिजनेस ने अभी पैसे लेने। यस, वेरी सिंपल, हम बहुत सिंपली इसको कर रहे हैं। जिससे, मैं कभी कभी हिंदी में भी लिखती हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई, सो दैट्स फाइन। जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं, सिंपल। सो बच्चे, पता भी नहीं लगा थोड़ी देर में आपने चार इंपॉर्टेंट टर्म सीख ली हैं अकाउंट से रिलेटेड, और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी शायद कि नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल्स भी करने लग जाएंगे। एंड देन यू वुड से, मैम वी डोंट हैव बुक्स, डोंट वरी, आई विल बी सेंडिंग यू पिक्चर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट वी हैव। सो आफ्टर अ फ्यू डेज, लाइक आफ्टर 2-3 डेज, आप क्वेश्चंस भी करने लग जाएंगे, एंड देन यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हमें जिस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हम 2 दिन में क्वेश्चंस भी करने लग गए हैं। एंड सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम आजकल, तो आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए, लेट अस रिवाइज, इतना लिख लीजिए। राइट, चलो लेट मी सी यू नाउ। प्रेरिका, बच्चे हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, इज देयर अ प्रॉब्लम विद दैट? कैन यू स्पीक समथिंग? कैन यू हियर मी नाउ? यस, परफेक्टली यस। पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी बच्चे? मैम वो एक्चुअली लैपटॉप में कनेक्टेड था तो उसमें इशू आ रहा था। ऑल राइट, कनेक्टेड विद माय फोन। दैट्स वंडरफुल, गुड। ओके बच्चे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। यस मैम, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। वाओ, वंडरफुल, बिकॉज़ यू वर शिफ्टिंग फ्रॉम लैपटॉप टू फोन, सो मे बी यू वर नॉट पेइंग मच अटेंशन। आई मैनेज्ड दैट। वंडरफुल, ओके, देन यू कैन अनम्यूट अगेन। सानिया बच्चे, हैव यू अंडरस्टूड समथिंग? यस ग्रेट, ग्रेट। प्रेरिक, नो सॉरी, धृति,
हैव यू अंडरस्टूड समथिंग? यस मैम. ओके, इज कोमल रिलेटेड टू यू? यस मैम. ओके, कोमल इज अ वंडरफुल स्टूडेंट, तो शी कैन ऑल्सो गाइड यू अबाउट अकाउंटिंग. ओके, यू कैन अनम्यूट, आई मीन म्यूट. भव्य, हैव यू अंडरस्टूड समथिंग? यस मैम. गुड. अक्षत, हैव यू अंडरस्टूड समथिंग? यस मैम, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग. वाह, वंडरफुल, ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी. एंड वन डे वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग और हम पूरी मोटी अकाउंट्स की बुक ऐसे सॉल्व कर देंगे. जस्ट हैव दैट फेथ इन यू. लेट्स रिवाइज वंस. कैपिटल होता है, सिंपल सा समझना है बच्चे. देखिए, आपको मैं एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा रही हूँ जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो एक दिन में मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक, ताकि आपको कुछ भी नहीं पता तो भी कुछ पता लग जाए. सो ओनर को जो भी कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसमें कुछ ना कुछ पहले उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ तो लगाना पड़ेगा, उसे कैपिटल बोलते हैं. उसके बाद ओनर बिजनेस में से अगर कुछ निकाल के अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में ड्रॉइंग्स बोलते हैं. फिर हर बिजनेस बच्चे मार्केट से कुछ ना कुछ सामान खरीदता है, परचेजेस करता है, तो वो दो तरह की होती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस. क्रेडिट परचेजेस मतलब आपने, आप कौन है, बिजनेस है, आपने उधार पे सामान खरीदा है, तो अभी तक आपने पैसे दिए नहीं है, देने हैं. तो जब तक आपने अभी तक पैसे दिए नहीं होते उस पर्सन को, तब तक वो पर्सन कहलाता है आपका क्रेडिटर, जिसे आपने पैसे देने हैं, जिसे आपने पैसे देने हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. और अगर आपने सामान खरीदा और साथ के साथ पैसे दे दिए, फिर तो ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है, कैश परचेजेस. फिर बच्चे हर बिजनेस सामान खरीद के उससे कुछ बनाता है, फिर आगे सेल्स करता है. अगर बिजनेस सेल्स ही नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो बिजनेस कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस का काम ही प्रॉफिट कमाना होता है. फिर आपको सामान बेचना है, आपने सामान बेचा, साथ के साथ पैसा ले लिया, बात खत्म हो गई, कैश सेल्स. फिर दूसरे केस में आपने उधार पे सामान बेचा है, सामान बेचा, अभी पैसा नहीं लिया, लेना है, तो आप बोलेंगे कि वो पर्सन है आपका डेटर. तो डेटर वो पर्सन होता है जिसे आप उधार पे सामान बेचते हैं और जिससे आपने पैसा लेना है. बस सिंपल सी बात है. आगे चलते हैं. बच्चे जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं अकाउंट्स और मैथ्स काफी अलग सब्जेक्ट्स हैं. सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स में एक ही चीज कॉमन है और वो है कैलकुलेशंस, कि आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. और अकाउंट्स और मैथ्स में एज सच कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन द सेंस जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर आप बाय चांस मैथ से आपको डर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट से भी डर लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग है. सो पहले तो अपने मन में ये फियर निकाल देना, अगर आपके मन में है कि ये मैथ्स जैसा कुछ होने वाला है. नहीं, मैथ्स जैसा कुछ नहीं है. हाँ, आपको काफ़ी एडिशन, प्लस प्लस माइनस वगैरह करने पड़ेंगे, बस इतना है. चलिए, तो जैसे मैथ्स में कितनी सारी थियोरीज होती हैं, थियरम्स होती हैं, कितनी अजम्पशंस होती हैं, ऐसे अकाउंट्स में कुछ अजम्पशंस होती हैं. काफ़ी सारी अजम्पशंस हैं, बट मैं एक अभी आपको सिखा रही हूँ. उस अजम्पशन का नाम लिखेंगे मेरे साथ साथ, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये एक तरह का रूल है, एक तरह का प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करना है अकाउंट्स बनाते हुए. बच्चे आप में से किसी का भी स्कूल अभी चल रहा है? आर यू अटेंडिंग योर स्कूल थ्रू ऑनलाइन क्लासेस?
No one. No, ma'am, not yet. Not yet. Why I'm asking that? Because अगर आपका स्कूल नहीं है तो हम जैसे थोड़ा जल्दी भी क्लास ले सकते हैं. जल्दी मतलब बहुत जल्दी नहीं, लाइक अराउंड 12:30. अराउंड 12:30 वुड बी फाइन. Yes, ma'am. At least till the time you don't have school. Because you know my 12 students, they are attending school on Zoom app. So I have to take their class after 3 only. So before your class, I just finished 12th key class. So sometimes, you know, we can also plan to take your class around 12:30. I think you all are free by then. कुछ आप कर नहीं रहे होते हैं तब. अच्छा एक बात और सुन लीजिए बच्चे, जब आपका इंस्टीट्यूट सम टाइम ओके प्लीज से क्लॉक और 11:30. बच्चे आई एम सॉरी, योर वॉइस ब्रोक इन बिटवीन, आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपरली. प्लीज से अगेन. It's now, ma'am. Is it working या now? इट इज इट इज. ma'am, कभी कभी अकाउंट की क्लास होती है 11:30 और 11. ओके ओके. एंड बाय 12:30 यू फ्री राइट? या ma'am. ठीक है ठीक है. आई ऑफ कोर्स इन्फॉर्म यू. मैं ऐसे एकदम से नहीं कर दूंगी, मैं आपको पहले एक दिन पहले बताऊंगी, फिर करें. चलो अभी स्टार्ट करते हैं वैसे. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. नाउ ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे हमने बोला था, एक ओनर होता है, एक उसी का बिजनेस होता है. हम मानते हैं कि ओनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है. हम मानते हैं ओनर एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है. आप कहेंगे मैम बिजनेस भी कभी पर्सन होता है? बताओ, बिजनेस कोई बंदा थोड़ी है. पर बच्चे आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे कि बिजनेस को भी हम एक पर्सन की तरह मान के चलते हैं. क्यों? बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है. जैसे आपने कभी सुना है ये लैंड ना उस कंपनी के नाम पे है, कभी ऐसे सुना है? ये लैंड उस कंपनी के नाम पे है, सुना है कभी ऐसा? यस बोल दो अगर सुना है, नो बोल दो अगर नहीं सुना है. ओके जैसे कोई लैंड है, कोई जगह जमीन कंपनी के नाम पे भी हो सकती है. तो बच्चे बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकता है. बिजनेस किसी के ऊपर केस कर सकता है, कोई बिजनेस के ऊपर भी केस कर सकता है. तो बिजनेस की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक पर्सन से मिलती हैं. आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे कि बिजनेस को भी एक पर्सन कहा गया है. हाँ वो अलग बात है कि उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, वो हमारे जैसा नहीं होता जिसकी दो आंखें एक नाक हो, बट हाँ वो भी एक पर्सन है, बट आर्टिफिशियल पर्सन है. और हम कैसे पर्सन है? हम नेचुरल पर्सन है, हमें भगवान ने बनाया है. तो बिजनेस को भी एक पर्सन कहा गया है. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एक ओनर होता है, एक उसी का बिजनेस होता है. ओनर अलग मानो, बिजनेस अलग मानो. अच्छा अब आप कहोगे मानने से क्या मतलब? अभी देखते हैं. ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया था विषय, वो वर्ड बताओ. ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया था? कैपिटल. वेरी गुड, कैपिटल. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसे ऐसे मानो, फिर से सुनो, उसे ऐसे मानो जैसे इस पर्सन ने इस पर्सन से उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है. फिर से सुनेंगे.
बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, और जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस में लगाई है वो ऐसे मानो जैसे बिजनेस ने ओनर से क्या लिया हुआ है। बच्चे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, क्या लिया हुआ है बिजनेस ने ओनर से? लोन लोन। अब आप जब किसी से लोन लोन लेते हैं तो आप बदले में कुछ देते हैं, राइट? तो बिजनेस क्या करेगा, बदले में अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमा के ओनर को देगा। ये लॉजिक है अकाउंट्स का कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो एक तरह से ऐसा है जैसे बिजनेस ने ओनर से लोन लिया हुआ है, और ये लोन बिजनेस ओनर को चुकाएगा कैसे? अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमा के ओनर को देगा। ये हमारी अजम्पशन होती है जब भी हम अकाउंट्स स्टडी करते हैं, हम इस बात को ध्यान में रख के ही स्टडी करते हैं। एक बार फिर से ये प्रिंसिपल, बच्चे इस प्रिंसिपल का नाम देख लो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल दो बातें कहता है। पहली बात, ओनर अलग है और बिजनेस एक, भव्या बताओ, ओनर अलग है बिजनेस, अलग है। करेक्ट। ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसे क्या बोलते हैं? करेक्ट। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है जैसे उसने ओनर से क्या लिया हुआ है? लोन वेरी गुड। और जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हम फिर उस लोन को वापस करते हैं, तो बिजनेस ओनर को बदले में क्या देता है? प्रॉफिट्स। यस, अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स देता है, वेरी गुड। चलिए लेट्स राइट दिस नाउ। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। अब आप कहोगे मैम एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब पार्टी, पार्टी जैसे ये अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है, ऐसे बोलते हैं ना, दो पार्टीज। अब वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी मतलब किसी पर्सन को ही रेफर कर रहे हैं। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर ऑल्सो, द कैपिटल इन्वेस्टेड, मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, अक्षत बताएंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द, कौन इन्वेस्ट करता है कैपिटल? बाय द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस एक बार फिर से, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द, बिजनेस नहीं, इधर देखो, इन्वेस्ट कौन करता है ये कैपिटल? ओनर 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 राइट ओनर राइट, बाय द ओनर इन द, अक्षत आप ही बताओ, इन द किस चीज में इन्वेस्ट करता है ओनर? जो वो कैपिटल बना वो बनाता है, जो मटेरियल बनाता है वो हाँ बिजनेस के लिए करता है, करेक्ट, बिजनेस के इन द लिए। बिजनेस, राइट। ठीक है, म्यूट कर लो। द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज अ, बच्चे लोन के लिए मैं एक अच्छा वर्ड यूज करने वाली हूँ, थोड़ा अकाउंट्स वाला वर्ड, उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। सानिया बच्चे, व्हाट इज द स्पेशल वर्ड फॉर लोन? मैम लाइबिलिटी, यस, वेरी गुड। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द डैश
टूवर्ड्स दी डैश. अब ये डैश डैश आपने फिल करने हैं कि ये किसकी लायबिलिटी होती है और किसकी तरफ होती है. सो धृति बच्चे आप बता सकते हैं, इज द लायबिलिटी ऑफ द किसकी बिजनेस. एक बार फिर से सोच लीजिए, ये किसकी लायबिलिटी है या किसके लिए ये लायबिलिटी है ऑफ द करेक्ट टूवर्ड्स द गुड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर. अब आप कहेंगे मैम ये प्रिंसिपल कैसे यूज होता है, वो तो हम क्वेश्चंस करते हुए देखेंगे. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको याद करवाऊंगी कि याद है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कुछ कहता है, तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. तो एक बार रिवाइज करते हैं. ऑल्सो बचे हम सारी क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे अभी भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है. मैं आपको ये क्लासेस प्रोवाइड भी करूँगी दोबारा, अगर आपको देखनी हो या कोई कोई डाउट रह गया, यू कैन वॉच द क्लासेस अगेन. ओके लेट अस रिवाइज. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है दो बातें. पहली बात, ओनर अलग है, बिजनेस कोई बोले सानिया ओनर अलग है बिजनेस अलग है करेक्ट सेपरेट इट दे आर बोथ सेपरेट पार्टीज राइट. व्हाटएवर कैपिटल ओनर इन्वेस्ट्स इन द बिजनेस इज लाइक अ लायबिलिटी इज लाइक अ लोन दैट हु हैज टेकन भव्य बिजनेस. हाँ बिजनेस एंड इन रिटर्न बिजनेस क्या देगा ओनर को, अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमा के देगा राइट. दिस इज द क्रक्स ऑफ अकाउंट्स. बट ऑफ कोर्स आई नो आपके मन में बड़े सवाल उठेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है एंड ऑल दैट. वो तो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे. बट यस अभी इस पॉइंट पे अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. व्हेनेवर वी गेट टू नो समथिंग स्टार्टिंग में तो बड़े सारे आपको डाउट्स आएंगे, ऐसा क्यों, ये वो एंड ऑल दैट. बट विद टाइम ऑल ऑफ दीज विल गेट सो क्लियर कि आपको हर चीज का परफेक्टली मतलब पता लगेगा. चलिए आज के लिए हम लास्ट बात करेंगे बच्चे, because this is your first class I want to keep it a little light since you don't even know much about this sort of teaching. Aap thoda used to nahi hai to abhi main thoda light rakhungi. Chaliye आई होप यू नोटेड दिस. वैसे आप मुझे कह सकते हैं कि मैम ऊपर दिखा दो, थोड़ा नीचे कर दो नोटबुक. यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन राइट टाइप कर सकते हैं आप. ठीक है आई थिंक एवरी थिंग इज फाइन एज ऑफ नाउ. आगे बढ़ते हैं. अक्षत बच्चे आपने नोट कर लिया? यस मैम. वेरी वेरी गुड. ओके लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. अभी मैंने जो एक वर्ड यूज किया था लायबिलिटीज या लायबिलिटी, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. लायबिलिटी बच्चे बिजनेस का एक बर्डन होता है.
एक बोझ होता है, एक टेंशन होती है, आप समझते हैं, लाइबिलिटी इज लाइक अ बर्डन, समथिंग दैट यू हैव टू रिटर्न, टेंशन है ये। तो बिजनेस की लाइबिलिटीज होती हैं कुछ, ये दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये अब आपके लिए नए वर्ड्स हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, पीछे अकाउंट्स में जहां पे भी वर्ड आपको करंट दिखाई दे, आपको कि यहाँ करंट लगेगा ना कुछ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट दैट करंट, दिस इज नॉट साइंस। करंट वर्ड जहां पे भी दिखेगा अकाउंट्स में, तो आप समझ जाना वहां पे कुछ शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है, कुछ छोटे समय की बात हो रही है। एंड द ऑपोजिट, कैन यू गेस, अगर नॉन करंट वर्ड दिखेगा तो भव्य, कैसे पीरियड की बात हो रही होगी, लॉन्ग टर्म की बात होगी, होगी लॉन्ग पीरियड की बात हो रही होगी, सिंपल, वेरी सिंपल। करंट वर्ड दिखेगा तो शॉर्ट पीरियड की बात हो रही होगी, नॉन करंट वर्ड दिखेगा तो लॉन्ग पीरियड की बात हो रही होगी। सो आई कैन ऑल्सो से दैट दीज आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड दीज आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। राइट, ओके। अब ये शॉर्ट पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड क्या है, आप ऐसे समझ लें, ये है विद इन वन ईयर और आफ्टर वन ईयर। मतलब जो पैसे आपको लौटाने हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, मतलब यू हैव टू पे समथिंग टू समवन, जो पैसे आपको लौटाने हैं विद इन वन ईयर और लेस के अंदर अंदर आपको वापस करने हैं, तो वो करंट लाइबिलिटी है। और जो पैसे आपको एक साल के बाद लौटाने हैं वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। बच्चे आप कौन है, हु आर यू, अकाउंट्स में आप कौन होते हैं, आप बिजनेस होते हैं, ऑलवेज वी आर द बिजनेस। जब भी मैं, अभी तो हमको पता नहीं ना ज्यादा बातें, जैसे मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी कि हम हमेशा बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, तो जब हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम खुद को बिजनेस समझते हैं अकाउंट्स बनाते हुए, ठीक है। इतना मैंने लिखा है। अब प्रेरिका बच्चे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, यस, सो माई क्वेश्चन टू यू इज, सपोज आई एम अ बिजनेस एंड मैंने एक बैंक से 5 ईयर्स के लिए लोन लिया है, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 5 ईयर्स, सो वॉट काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी इज दैट, नॉन करेंट लाइबिलिटी। परफेक्ट, यू आर सो इंटेलिजेंट बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। सो इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अगर आपने लंबे समय के लिए लोन लिया है मोर देन 1 ईयर के लिए, तो वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी है आपके लिए, यानी बिजनेस के लिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगी बिकॉज आपको अभी नहीं पता है ज़्यादा चीज़ें, तो यहाँ पे लिखेंगे एट्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं,
हम बाद में लिखेंगे, आप यहाँ पे स्पेस भी छोड़ेंगे, लाइक यू विल लीव 4-5 लाइन्स हियर. ऑल राइट. सो बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, बिजनेस के कुछ बोझ होते हैं, कोई टेंशन्स होती हैं, बिजनेस को कुछ चीज़ें लोगों को देनी होती है, पैसे देने होते हैं, तो वो लाइबिलिटीज़ होती हैं. दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ छोटे समय की लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो एक साल या उसके अंदर अंदर बिजनेस को पैसे वापस करने होते हैं. ऑलराइट, अवश्य एक बार पीछे जाएंगे अपनी नोटबुक में और क्रेडिटर पे आ जाएंगे. क्रेडिटर पे आ जाइए. यस सानिया बच्चे, हु इज अ क्रेडिटर? अ पर्सन टू व्हिच द बिजनेस ओल्ड सम मनी. यस वेरी गुड. अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे सम मनी फॉर द गुड्स दैट बिजनेस हैज बॉट. ओके राइट. अच्छा, मैंने आपसे जैसे पहले पूछा था किसी बच्चे से, क्या क्रेडिटर बिजनेस की एक टेंशन है? तो इसका आंसर है यस, बिजनेस की ये टेंशन है, क्योंकि बिजनेस को इससे पैसे देने हैं. सिंपल, अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तो वो आपका बर्डन है, बोझ है. तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिटर बिजनेस की होती है एक लायबिलिटी. क्या होती है बच्चे? स्पीक आउट एनीवन. लायबिलिटी. बिकॉज इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि बिजनेस ने पैसे देने हैं, तो ठीक है भाई, लायबिलिटी तो है, टेंशन ही तो है. ओके, अब मेरा सवाल आपसे है कि बिजनेस ने क्रेडिटर को पैसे एक साल के अंदर अंदर देने हैं या एक साल के बाद भी चलेगा? आपको आंसर ठीक से नहीं पता होगा, बट मैं कह रही हूँ चलो गैस करो. गैस करो कि बिजनेस को क्रेडिटर को पैसे एक साल के अंदर अंदर देने होंगे या एक साल के बाद भी चलेगा. गैस करके बता दो. Within 1 year. Okay. Bhavya, you have told me. Yes, ma'am. हाँ, because अभी I'm not used to your voice also. तो मैं अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ किसकी voice कैसी है. Okay. Prerika Vishay, what do you think? We have to pay to creditor within a year or maybe after 1 year also it's fine. Ma'am. Depends on the amount, right? ठीक है, करेक्ट. आपने जो सोचा सही सोचा है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग. तो मैं आपको बता दूं, अच्छे ये हमारी एक assumption होती है कि जैसे बिजनेस ने उधार पे सामान खरीदा है मोहन से, कोई इतने लंबे समय का उधार नहीं देता कि वो कहे कि एक साल के बाद पैसे दे देना. नहीं, जनरल मार्केट का रूल है कि 3 महीने का उधार मिलता है जनरली. तो हम ये मानते हैं कि ये जो गुड्स हमने खरीदे हैं मोहन से, तो मोहन ने कहा होगा कि 1 ईयर के अंदर अंदर ही पे करने हैं. इनफैक्ट उसने तो 1-2 महीने के अंदर ही कहा होगा. सो दिस इज आर अजम्पशन दैट क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. व्हाट काइंड ऑफ अ लायबिलिटी बच्चे? Current, that is we have to pay within a year, and that seems very logical also in the sense कि जैसे मैंने आपको बोला कि कोई इतने लंबे समय का उधार नहीं देता सामान के लिए. General rule in the market is 3 months का आपको उधार का time मिलता है generally. तो creditor को हम मानते हैं अपनी current liability. एक साल के अंदर अंदर वी हैव टू पे. नाउ आई एम श्योर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम व्हाट इफ वी डोंट पे? तो उसकी बातें हम बाद में करेंगे. याद रखिएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इफ वी डोंट पे, वील टॉक अबाउट दैट.
ऑल राइट मशीन, यहाँ तक लिख लीजिए. लेट अस क्विकली रिवाइज ऑल दैट वी हैव डन. और राइट बच्चे, अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होती हैं. अकाउंट्स की मैं अगर बात करूं, जैसे अकाउंट्स की ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. इकोनॉमिक्स की मंडे ऑल्टरनेट्स होती है, मंडे वेंसडे फ्राइडे. बट अभी कुछ दिन 3-4 डेज मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगी, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाऊँगी, सो दैट आप एक बार एक सब्जेक्ट के साथ कम्फर्टेबल हो जाएँ. उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स की बातें करेंगे. सो टुमारो ऑल्सो वी विल टेक अ शॉर्ट क्लास ऑफ 45 मिनट्स एट 1 PM. कितने बजे बजे हम मिलेंगे कल? 1 PM. 1 PM पे हम मिलेंगे फॉर अ शॉर्ट क्लास ऑफ 45 मिनट्स. सो दैट, वैसे तो मैंने बताया कि ऑल्टरनेट पे होती है, बट मैं आपके साथ टच नहीं खोना चाहती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि 3-4 डेज हम कंटिन्यूएशन में अकाउंट्स पढ़ें, सो दैट वी बिकम कम्फर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट. एंड देन व्हेन वी बिकम कम्फर्टेबल, फिर तो हम बाकी के सब्जेक्ट्स की बात कर पाएंगे. चलो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है बच्चे. हमने कैपिटल का मतलब सीखा है. म्यूट कीजिए प्लीज. या कैपिटल का मतलब सीखा है, ड्रॉइंग्स का मतलब सीखा है, क्रेडिटर्स का मतलब सीखा है, डेटर्स का मतलब सीखा है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मीनिंग पता लगा हमें, और हमने लायबिलिटीज के बारे में भी कुछ बात की है. आज ऑब्वियसली हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया. होपफुली कल हम कर पाएंगे. चलो, कैपिटल, ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, तो उसे कैपिटल बोलते हैं. ओनर बिजनेस से अगर कुछ निकाल के अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं. फिर ओनर, सॉरी, बिजनेस मार्केट से परचेजेस करता है, जो दो तरह की होती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस. उधार पे अगर आपने सामान खरीदा है तो आपका क्रेडिटर बन जाता है, जो आपकी टेंशन होती है, लायबिलिटी होती है. क्रेडिटर कौन सी लायबिलिटी होती है सान्या? मैम, करंट लायबिलिटी. वेरी गुड, ठीक है. फिर बिजनेस सेल्स भी करता है, दो तरह की सेल्स करता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स करता है. और जब वो क्रेडिट सेल्स करता है तो बिजनेस का डेटर बनता है. डेटर वो होता है जिससे बिजनेस ने अभी पैसे लेने होते हैं. ओके, देन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, दे बोथ आर सेपरेट. ओनर ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोन होता है, एक लायबिलिटी होती है. यानी कि बिजनेस ने लोन लिया हुआ है ओनर से, तो बिजनेस को ये चुकाना होता है. वो कैसे चुकाता है? अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमा के ओनर को देता है. सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर. और फिर हमने पढ़ा है लायबिलिटीज दो तरह की होती है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज. छोटे समय की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है, और लंबे समय की लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी होती है. क्रेडिटर्स छोटे समय की लायबिलिटी होती है, वी हैव टू पे विद इन लाइक अ ईयर. और अगर जैसे हमने बैंक से लंबे समय के लिए लोन लिया है, 5 साल के लिए लोन लिया है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है. क्या बच्चे आपको समझ में आ गया? लेट्स फर्स्ट आस्क प्रेरिका, हैव यू अंडरस्टूड बच्चे? Yes, ma'am. Good. Dhriti, Vishay, have you understood? Yes, ma'am. That is good. Sanya? Yes, ma'am. Good. Akshat? Yes, ma'am. Good. Bhavya? Yes, ma'am. Very good. Okay, so we will meet tomorrow at 1 PM.
एंड आप ये भी सोचे कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में, फिर मैं आपको गाइड करूँगी कि आप कैसे कर सकते हैं। रिवाइज करिए जो भी हमने आज पढ़ा है, कल हम 1 PM पे आपसे मिलेंगे फॉर अ शॉर्ट क्लास। सो आई विल सी यू टुमारो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल और मैसेज। आई हैव एडेड यू टू द ग्रुप एंड वी कैन डिस्कस एनी थिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स देयर। ओके बाय। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू। यू आर